लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुक जाओ। कौन है? प्यार करने वालों के लिए रोशनी, दुश्मनों के लिए आग का गोला। लोग मुझे सूरज के नाम से पुकारते हैं। चुपचाप अपने ये चमचों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना वरना के मारे सागे कानून है और कोर्ट को लिखे हुए ऑर्डर है। मैं जब चाहूँ इस बस्ती को गिरा सकता हूँ। इस बस्ती के लिए कानून तो क्या, मैं भगवान से भी टकरा जाऊंगा। ये बस्ती मेरी माँ है। अरे राम को नाम ले, ये बस्ती मारी भी तो माँ है, लक्ष्मी माँ। 30 लाख रुपया दिया है जमीन का रोकड़ा। 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा सेठ। 20 लाख? अरे कभी सपना में भी देखा है? 20 लाख देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। 48 घंटे में 20 लाख रुपया तुम्हारे टेबल पर पहुंच जाएगा सेठ। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना सूरज की गर्मी बढ़ गई तो तुम सबकी चिताएं यहीं जल जाएंगी। ओहो, बीमे के आठ है, 48 घंटा भी रुक जाते हैं। छोड़ो, ब्याज ही जाएगा। आओ वकील जी। लेकिन गुरु, इतना सारा रुपया यार, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ते जरूर निकाल देगा। कहा बबुआ, हम सबका एक साथ देख के तुहार का घंटी बज गई का? मतलब की बात कर। तो मतलब की बात ये है कि वो ससुर का नाती इंस्पेक्टर भेजे, आजकल हमारा फाइल बनात रही। ये ससुर के नाती तो जमानत पे छूट गए, लेकिन हम तेरी जमानत नहीं हो पाएगी। मालूम काहे को? क्योंकि ना तो सिर्फ ये लोग, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का तू गुरु घंटाल है। पाप की जौन दुनिया के हम गुरु घंटाल है, वो दुनिया के तुम जाने माने धैले हो। ये हमका जान पड़ गया है, ये बात से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जिस पाप की दुनिया का अपन दहला है, वहां दोस्ती का मतलब बिजनेस होता है। केके सेठ का नाम तो जरूर सुना होगा। हमका खबर मिली है कि उका तिजोरी में लाखों रुपए का माल है, और हम ये भी जानत रही कि वो तिजोरी सिर्फ तू खोल सके। तू वो तिजोरी खोल दे, हम तू का रुपया 10 लाख नगद दे, और हम उस सारा माल लई के देश से बाहर चले जाए, और इंस्पेक्टर विजय अपन को अंदर कर दे। हाँ बबुआ, ये कोई जरूरी तो ना ही। देखे सेठ की तिजोरी खोलना कोई ऐरे गहरे चोर का काम तो है नहीं, और पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि अपन कोई पन तिजोरी खोल सकता है। समझ गया, समझ गया। हम तो का ही काम कर रुपया 20 लाख दे। नहीं दोस्त, अपन तुम्हारा फाइल बंद करवाने के वास्ते अपन का फाइल तो नहीं खुलवा सकता ना। का? अरे तो सेठ का था। छोड़ अभी तुम, अपन कोई और रास्ता निकालेगा ना। तो तू चाहता है कि किसी भी तरफ बस्ती वालों को उनकी जमीन मिल जाए? हाँ बाबा, ये अपन की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो बड़ी चोरी करनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा, ऐसे चक्कर में अपन को बहुत साल चक्की पीसनी पड़ेगी। तो फिर कुछ ऐसा रास्ता सोचा जाए जिससे तुझे चक्की भी नहीं पीसनी पड़े और तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हाँ बाबा, तुम अपन का बाप है ना, तुम्हारे सिवा अपन के लिए और कौन रास्ता ढूंढ सकता है। बेटा समझ लो तुम्हारा काम। वो कैसे? आज रात को हम दोनों चोरी करने निकले। तुम जेके सेठ की तिजोरी साफ करोगे, मैं उसी घर के पास एक छोटी सी चोरी करूंगा। हम दोनों किसी खास जगह पर आकर मिलेंगे और माल बदल देंगे। जेके सेठ की तिजोरी से निकला हुआ माल लेकर मैं चला जाऊंगा, और छोटी चोरी से निकला हुआ माल लेकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे।
हाँ बाबा, छोटी चोरी के इल्जाम में अपन को छोटी सी सजा मिलेगी और बड़ी चोरी का मालपन अंदर हो जाएगा। बाबा क्या खोपड़ी, तेरा मतलब क्या दिमाग है बाबा? अपन को मान है कि तुम अपन का बाप है, मगर एक चीज का ध्यान रखना, एक मिनट का भी फर्क हुआ तो हम दोनों जेल की चक्की पीस सकते हैं। तो फिर आज रात को 12:40 पर हम दोनों घंटा घर से घड़ी मिलाकर निकले। ठीक 10 मिनट बाद हम लोग इसी जगह मिले, मगर 1 मिनट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा। चल रही है ना? सूरज कहाँ? सूरज कहाँ? मालूम नहीं साहब। रामू, देखो तुम्हारे सूरज भैया ने मुझे बुलाया था, कहाँ है वो? वो तो रात को घर पे ही नहीं आए। दामोदर जी साहब, मुझे सूरज हर हाल में चाहिए। बहुत अच्छे साहब। सलाम साहब, आपने बुलाया सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। कल रात को तुम किधर थे? क्या साहब, एक ही सवाल पूछने की आपकी आदत हो गई है क्या? कल रात को जेके सेठ की तिजोरी से 40 लाख रुपए चोरी हो गए। बहुत कमजोर तिजोरी होगी साहब, लेकिन बड़ा तकड़ा हाथ मारा ये चोर साहब ने। अपन तो आज तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाए। साहब ऐसी कोई और तिजोरी होगी क्या? जो पूछ रहा उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना अंदर कर दूंगा। भड़क क्यों रहे ले साहब, अपन बता देते है ना, कल रात अपन घर में था। झूठ बोल रहे हो, मैं खुद तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे पड़ोसी इस बात के गवाह है कि तुम रात को घर पर नहीं थे। मेरा मतलब है दूसरा घर साहब, अपन ससुराल में था। ससुराल में? ससुराल? चोर का ससुराल हवालात होता है ना साहब। अब हुआ ये कि कल रात गलती से अपन नाना चौक के घर में ना चोरी करने चला गया, पकड़ लिया आपके भाई बंधु ने साहब, अंदर कर दिया साहब, पूरी रात अंदर रखा। लेकिन छोटी सी चोरी थी ना साहब, इसलिए जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है साहब, चेक कर लीजिए आप। अभी आप ही बताइए, अपन हवालात में रहकर कैसे चोरी कर सकता है? अच्छा रास्ता निकाल लिया तुमने इस चोरी से बचने का। रास्ता वास्ता नहीं साहब, अपन एकदम सच बोलता है, 100% सच। वैसे साहब
याद है अपन आपको बोला था, चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है छोटा सा दहला साहब। तुम्हारे छोटे से दहले का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सच साहब? जा सकते हो तुम यहाँ से। चलता हूँ साहब, सलाम। साहब नाना चौक पुलिस स्टेशन में फोन करके तो पूछ लीजिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। नाय भोसले, उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन इसके झूठे सच को अगर मैंने बेनकाब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विजय नहीं। गिन लो सेठ जी, पूरे 22 लाख हैं। 22 लाख? अरे राम को नाम ले, 2 लाख ज्यादा। सेठ जी 20 लाख जमीन के और 2 लाख इस पर साइन करने के। पर सही कर बाका। अरे राम को नाम ले, क्या लिखा है मैं? अरे सेठ जी इसमें लिखा है कि आपने अपनी जमीन बस्ती वालों को दान कर दी। एक दिन में इतना रुपया कहीं चोरी चकरे? एक तो 20 का 22 और फिर दान में नाम ऊंचा। अगर आपने किसी से कहा कि ये 22 लाख अपन ने दिया है ना, तो जमीन तो गई, ये 22 लाख भी अपन ले जाएगा। अरे राम को नाम ले, यही बात तो मैं तेरे को भी कहने वाला था। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात बताऊं, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कोई दान कर्म हो जाए। आज तेरी वजह से उसकी इच्छा भी पूरी हो। ये ले 5 को नोट, ऐश कर। आप ऐश करो सेठ जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको नाम दो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ आओ। चलो, मेरे आदमी ने मुझे खबर दी थी कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पहुंच जाऊं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, अपन के घर आते तो अपन को चाय ठंडा पिलाना पड़ता आपको। बकवास बंद करो, क्यों आए हो यहाँ? अरे सेठ जी ने बुलाया अपन को ये कागज देने के लिए। बड़े दयालु हैं अपने सेठ जी, इन्होंने अपनी सारी जमीन बस्ती वालों को दान दे दी। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें जमीन के? अरे क्या बोल रहे हैं आप, दान धर्म में कोई लेन देन होता है क्या? मैं सेठ जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। सेठ जी आप ही बता दीजिए ना। अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन से रुपए की बात कर रहे हो? जो रुपए आपने इस जमीन के मांगे थे। मांगे थे लेकिन बाद में सेठ जी को दया आ गई, इन्होंने सब दान कर दिया। बोलो सेठ। माफ करना साहब, जबरदस्ती किसी से वो कहलवाना जो आप चाहते हो कानून के खिलाफ है। आप कानून वाला है, अपन तो आपको समझा रहा था सिर्फ, है ना सेठ जी? देखो मैं कानून अच्छी तरह जानता हूँ, और अब तुम ही अपना मुंह बंद रखोगे, समझे? ठीक है साहब। बोलो सेठ, ये क्या है? अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये दान अपनी इच्छा से किया। ओके सेठ, ओके। इस बार तो भगवान ने तुम्हें बचा ही लिया, चाहे तुम दूसरों का भला कर रहे हो, इसलिए गुड लक।